मेलोनी से लेकर मोइजू तक लगातार तीसरी जीत पर पीएम मोदी को किस किस ने दी बधाई, आइए जानते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें और एनडीए ने 290 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर दुनिया भर के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी है। इसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीते दो चुनावों की तरह इस बार बीजेपी अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन एनडीए ने 290 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। इसके साथ ही लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। अब तक जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो लगातार तीन बार सत्ता में आए थे। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने उन्हें बधाई दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर बधाई। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगो ने कहा कि वो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बधाई। वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मैं हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को इच्छुक हूँ। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, एनडीए की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी और मजबूत करने के लिए तत्पर है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटों से जीत हासिल की है, वहीं एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए को बहुत नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 350 से ज्यादा सीटें जीती थी, तब बीजेपी ने अपने बूते पर 303 सीटें जीती थी। आपको बता दें, केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से करीब 1.5 लाख वोटों से जीत गए हैं। ऐसे में मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना गया। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन गए जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।